तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होगा। आप पुराना टेक्नीशियन होगा तो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, अलग से इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल जाएगा। न्यू टेक्नीशियन होगा तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो ईगो टीवी है अब लेकर देख सकते हो, मैजिक आई और अल्ट्रा स्लिम पास, ये जो टीवी है इसका अंदर जो चैसिस है, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर आया था ESD का पास, वो ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर वर्क करेगा और लॉन्ग टाइम वो ट्रांजिस्टर चलेगा। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा कुछ ट्रांजिस्टर मैं मौजूद करके रखा हूँ, आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ओनिडा का अल्ट्रा स्लिम टीवी है। इसका योक कॉइल भी आप देख सकते हैं, स्क्वायर टाइप, और इसका जो बेसबोर्ड आप देख सकते हो, इसका इसी तरह बेसबोर्ड है, और इसका जो मेन PCB है, ये PCB है, ठीक है। तो ये PCB का ESD नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका ESD नंबर आप देखिए BSC23N0171, ठीक है, 0171 इसका ESD नंबर है। तो दोस्तों ये जो PCB है, मेरा एक दोस्त एक टेक्नीशियन ये पूरा टीवी को ही मेरे पास लेके आया, क्योंकि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, ठीक है, इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर क्या शॉर्ट था। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है और टिक 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 करके आवाज़ निकल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये 1803 इसका अंदर लगाया। बात आपको बताना चाहता हूँ, इसका अंदर जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर था 2103, ठीक है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर अब देखिए 2103, ये ओरिजिनल वाला ट्रांजिस्टर इसका अंदर था। अब देखिए 2103 फर्स्ट नंबर MD 2103 DFP, ठीक है, ये नंबर और ये ट्रांजिस्टर इसका अंदर था। अब अच्छा करके देखिए, इसका पिन भी आप अच्छा करके देखिए, इसी तरह ट्रांजिस्टर था, ये पूरा शॉर्ट हो गया। और यहाँ पर वो दोस्त ने 1803, ठीक है, 1803 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाया। लगाने के बाद दोस्तों वो ट्रांजिस्टर साथ साथ शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों साथ साथ जब शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने का बाद वो टारगेट किया कि इसका ESD ख़राब है, तो ESD चेंज करके देखा, ठीक है, बूस्ट PF भी चेंज करके देखा। चेंज करने का बाद तो दोस्तों ये ऑन हो गया। ऑन होने का बाद कुछ टाइम का अंदर 1803 ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा करके ध्यान दीजिए कि 1803 ट्रांजिस्टर साथ साथ शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों ये छोटा वाला 1800 ट्रांजिस्टर है और ये 1800 ट्रांजिस्टर लगा के मेरा पास भेजा है, ठीक है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, वो टेक्नीशियन मार्केट से ये 2103 वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसी तरह सेम नंबर 2103 ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को लेके आ। आप अच्छा करके देखिए, इसका ऊपर भी नंबर है, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लियर करके। इसका ऊपर भी नंबर है, देखिए MD2103, इसी तरह मार्केट के अंदर, इसी तरह पिन, देखिए इसका पिन देखिए, ये पीछे साइड है, इसी तरह मिला, ये जो मार्केट के अंदर मिला। तो वो क्या किया, ये ट्रांजिस्टर को इसी तरह, ये जो मिडिल पिन को सामने करके इसी तरह लगाया, ठीक है, आप अच्छा करके देखिए, इसी तरह लगाया। तो इसका ओरिजिनल वाला ट्रांजिस्टर देखिए, ये 2103 वाला ट्रांजिस्टर, इसका टांग देखिए, मिडिल पिन सामने वाला है, ठीक है। तो ये सामने वाला करके इसी तरह इसको लगाया, अब अच्छा करके देखिए। लगाने के बाद तो दोस्तों, और ये मार्केट का अंदर ये पीछे वाला टांग देखिए, मिडिल वाला टांग ये पीछे वाला है, ठीक है, इस तरह मार्केट का अंदर देखा जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद सेट ऑन नहीं हो रहा है और टीवी का अंदर टिक 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 आवाज़ निकल रहा है, तो उसका दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो मेरा पास लेके आ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है 2103 ये अलग है, और ये जो MD2103 ट्रांजिस्टर ये अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि इसका ये जो बेस पिन है, ठीक है, ये जो बेस पिन है, इसका ये बेस पिन है और ये कलेक्टर पिन है। तो दोस्तों इसका ये मिडिल पिन भी बेस पिन है और इसका कलेक्टर पिन है। बट दोस्तों आप मीटर से चेक करेगा तो दोनों ट्रांजिस्टर अलग आपको देखने को मिलेगा। एक ट्रांजिस्टर NPN मिलेगा और एक ट्रांजिस्टर PNP मिलेगा, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर NPN मिलेगा और एक ट्रांजिस्टर PNP मिलेगा। इसी का रीजन से ये दोनों नंबर, ये सेम नंबर तब भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो पीसीबी है इसका अंदर आप ये जो ओरिजिनल वाला ट्रांजिस्टर है, ये MD2103 वाला जो ट्रांजिस्टर सेम मिलेगा, तब आप लगा सकते हो। लास्ट नंबर देखिए DAP, ठीक है, बट इसका लास्ट कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सेम नंबर आप लगा सकते हो, बट ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर नहीं चलेगा, सेट ऑन ही नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नंबर लगाना पड़ेगा, बट दोस्तों 1803 लगाने के बाद, 1803 लगाने के बाद ये चल रहा है, बट ये कुछ टाइम के अंदर ही ओवर हीट होने के बाद शॉर्ट हो जाता है। अब देख सकते हो इसका अंदर जो ट्रांजिस्टर है MD1803 DFP, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अलग सा कुछ ट्रांजिस्टर मेरा पास है वो लगाने के बाद मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों चलिए एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो ट्रांजिस्टर MD1803, ठीक है, ये देखिए आपको मैं क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ MD1803 DFP। तो ये ट्रांजिस्टर अभी है, तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि टीवी अभी चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका मन में मैं कुछ भी कॉन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, इसका कनेक्शन सब कुछ है। चलिए मैं सप्लाई देख के आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, टीवी देखिए स्क्रीन का अंदर आप फॉलो कीजिए, ये चल रहा है, देखिए ये चल रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो ये चल रहा है और इसका इंडिकेटर भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को ऑफ कर दिया, बट आपको देखा है कि ये चल रहा है। तो अभी ये जो ट्रांजिस्टर है मैं ऑफ कर दिया, तुरंत बहुत हीट हो गया, बहुत हीट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो चलिए कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा मैं आपको लगाने के बाद देखा। तो दोस्तों ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, बहुत नॉलेज मिल जाएगा, बहुत न्यू नॉलेज मिल जाएगा। कि देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया, मेरा पास जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, बहुत कुछ टाइप ट्रांजिस्टर मेरा पास अवेलेबल है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर मैं लगाया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं एक ओपन करके ही रखा हूँ एक ट्रांजिस्टर, देखिए आप अच्छा करके देखिए, ये जो मिडिल वाला ट्रांजिस्टर देखिए C5885, ठीक है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर C5885, ये ट्रांजिस्टर आप आसानी से लगा सकते हो, कुछ भी कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर आप लगाएगा तो ये बहुत अच्छा सा वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी का साथ कि देखिए ये जो MD1803 DFP ये जो ट्रांजिस्टर है, आप अच्छा करके देखिए ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद क्या हो गया, कुछ टाइम के अंदर ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होने के बाद शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बट दोस्त आपको बताना चाहता हूँ ये MD1803 ये वाला जो ट्रांजिस्टर देखिए DFH या ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर जैसा सेम तरह वर्क करेगा ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। बट दोस्त ये नंबर देख के और ये नंबर देख के आप बाहर से पता नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए बहुत कमेंट के अंदर मैं देखा कि सर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, मान लो ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर कौन सा नंबर लगाना पड़ेगा। मैं एक लाइन से बताऊंगा तो आप 1803 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, बट ये 1803 ट्रांजिस्टर लगाएगा तो ये काम करेगा। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, तो इसका रहस्य कहाँ पर है, तो दोस्तों सब कुछ आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्यों अलग है और ये ट्रांजिस्टर क्यों अलग है और ये ट्रांजिस्टर जैसा सेम काम क्यों ये ट्रांजिस्टर कर रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा, आप जिस टाइम वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, जिस टाइम वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा। आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक चेक कीजिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं ये जो C5885 जो ट्रांजिस्टर है, मैं ये जो ओनिडा का चासिस है इसका अंदर लगाया और लॉन्ग टाइम में टेस्ट करके देखा। तो चलिए मैं आपको कॉन्फ्यूज मैं नहीं रखना चाहता हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर देखिए C5, दोस्तों कैमरा का वजह थोड़ा ब्लर हो जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए C5885, ठीक है,
ये वाला जो ट्रांजिस्टर मैं लगाया, ठीक है, सेम नंबर का ट्रांजिस्टर जो आपको यहाँ पर दिखाया। तो चलिए मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाना चाहता हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस टाइम मैं ये ट्रांजिस्टर लगा के चेक किया और मेरा जो दोस्त ये ट्रांजिस्टर लगा के चेक किया, कुछ टाइम के अंदर ये शॉर्ट हो जाता है और उसी के साथ मैं देखा ये जो स्क्रीन का पिक्चर है, पिक्चर का ये साइड मतलब राइट साइड पिक्चर का थोड़ा गैप मिला, मतलब हल्का सा गैप, ठीक है। बट दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद कुछ भी गैप नहीं है, स्क्रीन फुल जैसा स्क्रीन वो देखने को मिल रहा है और टीवी ओके चल रहा है। तो चलिए मैं फिर भी सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आपको दिखाना चाहता, देखिए इसकी इंडिकेटर जल रहा है और टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए पिक्चर ओके चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये स्टूक एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा, तो चलिए एडजस्ट मैं बाद में करूँगा। बट दोस्त इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आप सीरीज लाइन से देख सकते हो, सीरीज बल्ब कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, सीरीज बल्ब कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। बट दोस्तों ये 1803 ट्रांजिस्टर लगाने का बाद ये टीवी जब ऑन हो जाता है, ऑन होने का कुछ टाइम का अंदर ही, ठीक है, 30 सेकंड का अंदर ही सीरीज बाल फुल ग्लो हो जाता है, ये भी सिम्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। बट आप देख सकते हो ये बिल्कुल ओके चल रहा है, मैं बहुत लॉन्ग टाइम ये ऑन करके देखा, देखने के बाद आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए कि मैं आपको जो बताया ये जो 1803-2 सेम नंबर का, इसका अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, और ये जो ट्रांजिस्टर इसका फ़र्क क्या है और क्यों ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप उल्टा सीधा हो सकता है कमेंट कर सकते हो, मैं सब कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ मेरा हर वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके, सॉरी, ये वीडियो यहाँ पर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए और ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कीजिए इसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।